नमस्ते आदाब, आप जुड़े हैं पसमंदर डेमोक्रेसी से और पसमंदर डेमोक्रेसी की इस फहरिस्त में शख्सियत से मुलाकात और मुद्दों की बात में। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की बहुत ही होनहार स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर और अभी फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अध्यापिका जुड़ी है। आप उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सबको मेरा नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कहकशा है और हाल ही में मैंने अपनी PhD जमा की है, जो इसका विषय है पसमांदा पे काम है हिंदी को लेके, और मैं श्रद्धन कॉलेज में अभी फ़िलहाल पढ़ा रही हूँ। और पसमांदा पे मैं काम कर रही हूँ, लोगों से जुड़ रही हूँ, जान रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे समाज में जिस पे हम बात कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को उभार के उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा है, आपने गागर में सागर जैसा अपने परिचय और विषय से संबंधित मुद्दों की जानकारी भी दी। आप अपने शोध के दौरान कई सारे दशकों का मूल्यांकन किया होगा और उस मूल्यांकन के तहत जो आंदोलन, चाहे वो लेखन के रूप में हो, जन जागरूकता के रूप में हो, या फिर उसमें जो लैंगिक, खास करके जिसे हम कहते हैं कि जेंडर, जो एक कॉन्शियसनेस को लेके हो पसमांदा पर्सपेक्टिव में, आप कुछ बताइए कि आपने इसमें क्या पाया। देखिए, मेरा जो शोध का विषय था वो हिंदी उपन्यास में पसमांदा मुसलमान था, जो लिटरेचर जो है हमारा साहित्य का या हिंदी का जो उससे जुड़ा हुआ था। तो इसमें जो साहित्य, जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने समाज की बात करते हैं, और जो हमारा समाज है ख़ासतौर से पसमांदा के ऊपर जब मैं बात करती हूँ तो इस पर मुझे लगा कि जो किताबी ज्ञान है उससे ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि लोगों से जाके मिलें, साक्षात्कार करें, फील्ड वर्क करें, उससे ज़्यादा बेहतर जानकारी और सटीक जानकारी हमें प्राप्त होगी और मिलेगी, या जिसे हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ें। तो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में गई थी, गाजीपुर में ये कस्बा है, मऊ के पास ही है भादगंज। तो वहाँ पे मैं जो पसमांदा बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं, मैं कहूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर वैसे तो अंसारी लोग बसते हैं, जहाँ पे बुनाई का काम होता है, जिसे लूम या साड़ी बुनना कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग इस तरीके के हैं। पर वहाँ पे मैं जाके मैंने कई ऐसी बिरादरियों से, जातियों से बात की, जो अलग अलग जाति से थे, जैसे कि कहूँ तो जैसे गद्दी हो गए और अंसारी हो गए और धोबी हो गए, अलग अलग तरीके के लोगों से मैंने बात की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। क्योंकि हम जब किताबी ज्ञान की बात करते हैं तो हम उस समय की बात करते हैं जब किताबें छपी थी, या अपने नज़रे से बात करते हैं, और जब हम एक शोधार्थी की बात करते हैं या जब चीज़ों को नई तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें ये बात करते हैं कि हमने क्या मूल्यांकन किया और क्या नई चीज़ें हम लेके आए, तो हमारा नज़रिया क्या था। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए थे जिससे कि आप पूरे उस बिरादरी के परिवार के बारे में, उसकी पीढ़ी के बारे में, उसकी आर्थिक चीज़ें, समस्या, सामाजिक समस्या हो या और भी शैक्षिक चीज़ें हैं, या क्या क्या समस्याओं का समाधान कर रहे हैं वो, या समस्याओं को झेल रहे हैं वो, इन सब चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लगभग 15-20 परिवारों से बात की थी, तो उन परिवारों में एक चीज़ तो सामान्य मुझे मिली कि जैसे मैं बात करूं कि अंसारी लोग थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जिस मैं उसमें नगर में या कस्बे में मैं गई थी, वहाँ पे ज़्यादा जो आबादी है, जनसंख्या है, वो अंसारियों की है। तो कई परिवार थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति से बात करें तो एक परिवार से बात करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं या उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। तो इसलिए मैंने कई जैसे परिवार हैं उनसे बात की, जैसे मान लीजिए कि एक जाति की बात करती हूँ, अंसारी की बात करती हूँ, तो मैंने कई परिवारों पर से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। तो पहला जब रिएक्शन था कि जब मैं किसी परिवार के पास जाती थी तो मैं अपनी माँ के साथ जाती थी, इसलिए क्योंकि वहाँ की जो भाषा है वो मम्मी ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि हम हिंदी के लोग हैं और अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह के जुड़े हैं। पर आपकी भाषा भोजपुरी है? जी, हमारी भाषा जो है वो भोजपुरी है, पर वहाँ पे जो बोलते हैं मऊवाली भाषा बोलते हैं, मऊ तो करके बात करते हैं, तो वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं थी। तो इसलिए मम्मी ने समझाने के तौर पे एक जरिया कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, इस तरीके से मैंने मम्मी को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जब तक आप परिवार के सदस्य से या जिसे आप साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उनसे आप जब तक संबंध एक इमोशंस के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो आपसे नहीं बात करेंगे या टच नहीं करते आप। तो कुछ एक मैं बताऊं कि समस्या सबसे पहले ये हुई कि कुछ एक परिवार ऐसे थे जिन्होंने मुझे दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, कि उन्हें लगा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ या मैं उनकी समस्याओं को बात करूँगी या कुछ उनसे गलत चीज़ें
बोल दिया निकल गई या कुछ समस्या क्रिएट कर सकती हूँ मैं। तो खैर बातचीत के बाद थोड़ी चीज़ें सुलझी, पर एक परिवार था, मुझे ध्यान आ रहा है कि वो परिवार अंसारी बिरादरी का था और जो उसके मुखिया थे वो एक एक लूम चलाते थे, मतलब सिर्फ सिंगल साड़ी बुनने का जो मशीन होता है वो चलाते थे, और परिवार के सदस्य लगभग 12-15 थे, जिसमें एक तो उनकी पत्नी थी और लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें कि दो बच्चे थे उनके लड़के और बाकी लड़कियां थी। तो लड़कियां बड़ी थी, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ये जब आप कोई एक आता है, क्योंकि एक कमाने वाला है 10-12 लोग खाने वाले हैं, और शिक्षा की बात जब हम करते हैं कि शिक्षा आप किस तरीके से दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ एक प्रयास किए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को खास तौर से पढ़ाने के लिए, क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे दीनी तालीम दे के चीज़ों को कहते हैं कि अब ठीक है शर्त के हिसाब से इसकी शादी कर देंगे, सुटेबल लड़का मिलेगा तो शादी कर देंगे। तो इस तरह से उनका नज़रिया था कि लड़कियों को बेहतर तरीके से पढ़ाने की या और उच्च पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो ख़ास तौर से लड़की पर ध्यान देते हैं क्योंकि वो हमें आगे फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग करेंगे या हमें सपोर्ट करेंगे। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हमारे जो दोनों लड़के हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, फीस देते हैं हम बट स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हम फीस दे रहे हैं या जो हम खर्च कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, हम क्यों ना उसे इकट्ठा करके उसके लिए कोई दुकान खोल दें, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करता है। तो मुझे लगा शिक्षा की आपको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि जब पढ़ते ही नहीं है तो हमें भी नहीं लगता कि हम पैसे खर्च करें। तो मैंने पूछा आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं या कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा सरकारी है बट फीस जाती है और क्या कहते हैं ना हमें वहाँ से कुछ किताबें मिलती हैं और ये सब चीज़ें। मैंने उन्हें बताया कि जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हमारी शिक्षा है 8th क्लास तक वो मुफ्त है, जो ड्रेसेस है या स्कॉलरशिप है वो सब मुफ्त है हमारी, तो आप किस चीज़ के पैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, जो हमारी ड्रेस आती है बच्चों की उसके भी हम पैसे देते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो सारे स्टॉक में रख लेते हैं और सैंपल देते हैं किस तरीके की चीज़ें आप लेके आइए या तो हमसे खरीदिए, तो वो उनके भी पैसे देते हैं बच्चे। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मैंने कहा किताबें, तो कह रहे किताबें वो पैसे नहीं देते, मैंने कहा इस पे तो लिखा हुआ किताबें आप लेके आइए, इस पे क्या लिखा हुआ, तो उस पे नीचे लिखा हुआ था कि मुफ्त ये किताबें हैं और इसके तहत आती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसके ही पैसे देते हैं, और हम जब मैंने कहा फिर स्कॉलरशिप वो तो मिलती है, तो उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए भी हम 100 रुपये देते हैं और वो फेलोशिप या स्कॉलरशिप हमारे पास नहीं आती है, तो हम किस लिए भेजें बच्चों को पैसे जब हम इतने खर्च कर रहे हैं और बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों स्कूल भेजें। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार को जाके अध्यापकों से बात करें इंसान कि क्या है, हालांकि मैं छुट्टियों में गई थी गर्मियों की, तो इसलिए वहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह में कुछ सब कुछ बंद था और नहीं मिले, तो एक दो जानने वाले मेरे अध्यापक गढ़ के पापा के दोस्त थे तो उनसे मैंने बात की, तो कह रहे हाँ ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए भी यहाँ के जो मदरसे की तालीम है या स्कूल शिक्षा है वो नहीं हो पा रही है, वो नहीं दे रहे हैं, या तो एक काम करते हैं वो मदरसे का सिर्फ आपको कायदा पढ़ा दिया या आपको कुरान पढ़ा दिया और कह दिया कि आपकी तालीम पूरी हो गई और आप चीज़ें ख़त्म हो गई। पेरेंट्स खुद बैकअप कर लेते हैं कि नहीं हम लूम में चला देंगे लड़कों को या सऊदी अरब भेजेंगे, वहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे लड़का कोई हो गया 15-16 साल का हो गया तो उन्हें लगता है कि कुछ पैसे दे के जो मीडिएटर होता है बाहर भिजवाते हैं सऊदी भिजवाते हैं, तो उनको 20,000 पे 25,000 पे नौकरी दे के उन्हें हम बाहर भेज दें, तो मोस्टली वहाँ की जो आबादी के लड़के हैं वो जाते हैं। इनफैक्ट जो मेरे मामा है वो भी खुद ट्राई कर रहे हैं कि वो जाके सऊदी में वहाँ पे काम करें, तो मैं क्या ही कहूँ। तो एक तो ये चीज़ें समझ में आई, और दूसरी बात जब मैंने महिलाओं से बात की तो जब मैंने उन्हें बताया कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सरकार में हो रही है, चाहे हम इस बैकग्राउंड से हैं या आप इस जाति से हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि बैंक से आप लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे फायदे के लिए बना रखी हैं, तो आप इसे जानती हैं, इसको जानकारी है, आप कह रही नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम जैसे लोन की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, जैसे वो 60+ है तो पेंशन की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा वो भी जो मीडिएटर होता है वो पैसे मांग के खा लेता है और हमें वो पेंशन नहीं मिलता, तो इसलिए हम बिल्कुल उससे कट गए, हम इस समाज से या इस तरीके से चीज़ों से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, बट हमारा ये है रोजी रोटी जो है हमारी है, या तो अगर वो गधेड़ी हैं जो गधे से अपना जो सामान पहुंचाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जिस गली में ट्रक्स नहीं जाती है या छोटी गाड़ियां नहीं जाती हैं उसके लिए हमें बुलाया जाता है, क्योंकि गधे गली में छोटी गली में पतली गली से निकाल देते हैं ईंटें, इसलिए नहीं तो फिर हमारा काम मोस्टली 8 महीने 6 महीना 10 महीना ऐसे बंद रहता है। तो
अब जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी जाति यही है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम पठान थे, हमारी जो पीढ़ी थी या जो हमारे ससुर थे या हमारे पिताजी थे वो पठान थे। इस चीज को ले लिया कि हमारे पास रोजगार के तौर पे यही था, हम भट्टी का काम करते थे, भट्टी का काम हमारे लोगों ने हड़प लिया या रिश्तेदारों ने ले लिया, पर हम मजबूरी में इस फील्ड पे आ गए, पर हम गद्दी नहीं है, हम पठान हैं। तो मुझे लगा कि अब इस पे क्या मसले पे कैसे बात करें हम, तो ये चीज हुई। तो बहुत सारी चीजें नई जानकारी मतलब मिली, मुझे लगा कि हम किताबों से ये सब चीजें नहीं जान सकते और मैं नहीं जान पाती, तो कुछ चीजें रोचक थी और कुछ बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं कि मानव जो मूल्य है उसको भी इन लोगों ने वहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने तोड़ा और बहुत तरीके से हर तरीके से शोषण अभी भी हो रहा है। तो जो दयनीय दशा है एक तरीके से कह सकते हैं उस कस्बे की, बहुत दयनीय दशा। मैं आई थी तो लगभग आप सोचिए मैं महीने भर लिख नहीं पा रही थी, मैं जब उन लोगों से मिली तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने कई लोगों से बात भी की तो उन्होंने कहा कि हाँ चीज़ें हैं और बेहतर नहीं हो रही और बदतर हो रही हैं। तो मुझे लगा कि इस पर शोध करना या चीज़ें ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप एक बार पहले आप फील्ड वर्क की थी तब आपके दिमाग में आया कि इस पर काम करना चाहिए, या फिर फील्ड वर्क के दौरान आप जब गई तब ये सब चीज़ें आपका आप इन सब चीज़ों से आपका इनकाउंटर हुआ? देखिए शुरुआत में जब मैं इस विषय पे जब मैंने रिसर्च करने की सोची या पढ़ा मैंने चीज़ों, क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैंने किताब पढ़ी थी अली अनवर साहब की, क्योंकि वो एक पापा के अच्छे दोस्त भी हैं तो उन्होंने रिकमेंड भी किया था और मैंने लाइब्रेरी में कुछ एक चीज़ें सुनी थी पढ़ी थी। तो मुझे एक इस पे का किस्सा याद आता है कि जब मैं मास्टर्स में थी तो किसी एक टीचर ने जामिया में इस पे एक पेपर प्रेजेंट किया था, उसमें बहुत विवाद हुआ था कि इस्लाम में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं, उन्होंने कुंजड़ कसाई को लेके उस कहानी को लेके उन्होंने चीजों को प्रेजेंट किया था या पसमानदा को प्रेजेंट किया था। जी हाँ, अनवर सुहेल साहब की कहानी है वो, तो उस पे बात हुई थी, उस पे तो बहुत विवाद हुआ था उस चीज को लेके, उस कहानी को लेके। तो मुझे लगा कि ये चीजें हैं और मैं उस सोचिए कि अब मैं उस टाइम मास्टर्स लेवल पे काम कर रही थी या पढ़ रही थी तो मुझे वो सब चीजें नहीं मालूम थी। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी और मुझे लगा कि ये सब चीज़ें भी समाज में है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर थोड़ा और पढ़ना शुरू किया या उस पर कोशिश की कि क्या है ये चीज़ें जो हम भी इसी बिरादरी से आते हैं और मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि मेरी परवरिश या जो पैदाइश है सब दिल्ली की है, तो हम इन सब चीज़ों से टच में नहीं थे या जानकारी नहीं थी इन सब चीज़ों की, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल नहीं है। इसलिए तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया या मैंने अपने फैमिली से पूछना शुरू किया, अपने पापा से या और सब चीज़ों से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये पापा भी मेरे जो हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मास्टर्स की थी अपने ज़माने में, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सब चीज़ें हैं और हमारे समाज में अभी मौजूद हैं। तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए, फिर मैंने रिसर्च किया कि कौन किस पे इस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा कि ड्यू में इस पर बिल्कुल काम नहीं था। एक बार अपना जो विषय था एक बार फिर बता दीजिए, किस विषय पे आपने पीटी? मेरा जो विषय था शोध का वो था हिंदी उपन्यास में पसमानदा मुस्लिम जी। तो मैंने लिटरेचर से जोड़ के या जो मेरे उपन्यास थे उनमें से मैंने कुछ उपन्यासों को छाट के निकाला, क्योंकि जब मैं बात करूँ शुद्ध रूप से पसमानदा पे, कोई ऐसे साहित्य नहीं है कि हम उस पर बिल्कुल फैक्ट तरीके से बात करें, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजी। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यासों में मैंने निकाला और असगर वजाहत के मैंने उपन्यासों में निकाला कि कहाँ से जोड़ते हैं, पात्र कौन है पसमानदा जो हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि मेरे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने भी कहा कि आपका काम सोशल वाला है, आप लिटरेचर में कैसे लेके आती हैं, पर मैंने उस चीज़ को जोड़ा कि क्या कहते हैं, नहीं इस ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट करके सब निकाल सकते हैं। तो खैर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो बहुत सारे जो वहाँ पे मेंबर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पूछा कई सब चीज़ें कि आपको भी लगता है, क्योंकि आप मुस्लिम लड़की हैं तो आपको लगता है। मैंने कहा हाँ, मैं भी उसी जगह से आती हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो गहमर में गाजीपुर में ही है, तो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक फील्ड वर्क करके या ऑथेंटिक चीज़ें लेके आके रिसर्च में अपने प्रेजेंट करूँ, ताकि आगे जो इस पर काम करेगा तो मेरी तरफ से भटकना ना पड़े और चीज़ों को सहूलियत के साथ जोड़ के हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। एक साहित्यकार के नाते जो पसमानदा विमर्श अभी जो चल रहा है इन दौरान, तो इसने जो स्पेस बनाया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अभी जो साहित्य लिखे जा रहे हैं, अभी जो बात हो रही है, वो आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक तीनों परस्पेक्ट में? आप क्या समझती हैं, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए।
देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो मेरी PhD अभी हाल में जमा हुई, तो लगभग 5 साल तो मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने 18 में इनरोल किया था। तो उस टाइम का जो मैं देखती हूँ लिटरेचर पसमानदा को लेके, और अब जो मैं चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है इन 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली। हालांकि 2-3 साल कोरोना था, और उसमें जो हमारी कह सकते हैं कि पसमानदा का जो लिटरेचर था वो किस तरीके से रिच हुआ, नहीं हुआ, या लोगों तक पहुँचा, नहीं पहुँचा, ये अलग मुद्दा है। पर जब मैं फील्ड में जाती हूँ या लोगों से बात करती हूँ, या किताबी ज्ञानों की या पत्रिका की या किसी और भी लिटरेचर की बात करती हूँ, तो मुझे लगता है पहले से चीज़ें बेहतर हुई हैं। और जो सबसे पहले चीज़ है कि आप जब इंसान की समझ बेहतर होगी, या आप जब पसमानदा तक अपनी बात पहुँचाते हैं, या पसमानदा अपने चेतना जगाता है या जागरूक होता है अपने अधिकारों के प्रति, या अपने संवेदना या जो भी चीज़ें हैं सबके प्रति, और उसको लगता है कि हाँ, समाज में हम भी इस तरीके की चीज़ों के साथ शामिल हो सकते हैं, या हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना अदर लोगों का है, तो चीज़ें बदली हैं। मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बदली हैं, चाहे वो आप सामाजिक रूप से कहिए, या राजनीतिक तौर पे कहिए, या फिर आर्थिक रूप से कहिए। क्योंकि जो शिक्षा की बात है हमारी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब हमारे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है, उसमें भी बहुत सारे लोग अब अदर अदर डिपार्टमेंट से, जैसे पॉलिटिकल हो गया या अपना हिंदी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें लोग काम कर रहे हैं पसमानदा से रिलेटेड। वो अलग कह लीजिए आपकी, वो पसमानदा उसमें नाम शामिल करते हैं नहीं करते हैं, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है, या जो हमारे जो जूनियर्स हैं, इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे जूनियर्स हैं और इस पे काम कर रहे हैं, तो हम बेहतर तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं या मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी हैं वो उससे बेहतर देख रहे हैं, या उनसे पहले हम हैं, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं आपकी आ सकती हैं, या फिर आपको, आपके लिए हम हैं। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमने 10 दिन में खोजी, वो आपको हम एक दिन में सहूलियत के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं, तो या बता सकते हैं। आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि अभी जो जिस रूप में देखा जा रहा है कि पसमानदा आंदोलन और पसमानदा जो विमर्श से खास करके, या पसमानदा राइटिंग से बेसिकली, जिस तरीके से वुमेंस राइटिंग और ट्राइबल्स राइटिंग या फिर जो मार्जिनल राइटिंग होते हैं, वैसे ही पसमानदा राइटिंग एक तरीके से एकेडमिक शेप लेता जा रहा है। इसमें कई बड़े नाम हैं जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो क्या पहले ये स्पेस था, आपको लगता है, आप चूंकि अपना रिसर्च जर्नी जब आपने किया होगा अलग अलग फील्ड में, आपने मवादों की तलाश की होगी, या फिर उसमें आपने देखा होगा कि जब इससे संबंधित साहित्य लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, तो पहले आपको जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अभी जो एक माहौल तैयार हुआ है, अभी एक जो स्पेस बना है, इसमें आपके हिसाब से जितना साहित्य लिखा जाना चाहिए, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, वो हो रहा है? देखिए, जब शुरुआत में मैंने ले लिया था इस पे काम, और जब मैं खोज कर रही थी अपने मटेरियल के लिए, तो बीच में तो खैर कोरोना आ गया था, तो उससे चीज़ें थोड़ी बहुत रुकी थी। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक किस व्यक्ति से मैं ऐसे बात कर सकती हूँ जो मुझे बेहतर तरीके से लिटरेचर के बारे में बता सकता है, या किताबों का ज्ञान दे सकता है। क्योंकि देखिए, अब मैं जब लिटरेचर की बात करती हूँ, तो इंग्लिश में इन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस पर हम पढ़ के जानकारी ले सकते हैं या बता सकते हैं और उस पर ज्ञान ले सकते हैं। पर जब मैं हिंदी भाषा की बात करती हूँ, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मैं आपको बताऊँ, बहुत कम लोगों ने ही लिखा है, और सोशल साइंस परस्पेक्टिव से कुछ लोगों ने लिखा है, जिसमें इम्तियाज अहमद का नाम है, कुछ खाली साहब का नाम है, जी हाँ, उनकी जो किताब है वो हिंदी में भी, हिंदी में 60 के दशक में लिखा था उन्होंने, लखनऊ 60 के दशक में, हिंदी में भी उनकी किताबें हैं, अनुवादित हैं, नदीम करके नाम है उनका, उन्होंने अनुवाद किया उसका। तो जब मैं कर रही थी, तो मैंने शुरुआत में एक कर्मेंद्र शिशिर जी से बात की थी, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार बिहार के हैं जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दो किताबें तो उनकी है, दो एक दो भाग में, और बाकी फिर मैंने अली अनवर जी से इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं राजनीतिक पर्सन हूँ, और क्या कहते हैं, मैं आपको लिटरेचर के बारे में इतनी जानकारी दे सकता, पर यह है कि जो मैंने शोध के दौरान चीज़ें महसूस की, या मैंने जानकारी ली, या जो समाज में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होके आपको समस्याएं हो सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे
अपने एक बेटी की तरह से चीज़ों को बताया और कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर मैंने किसी ने मुझे बताया कि एक हिलाल अहमद सर हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। तो जब मैंने हिलाल अहमद सर से बात की थी तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली और क्या कहते हैं, मुझे लगा कि ऐसे अगर पर्सन मिल जाए हमें तो हमारी जो रिसर्च की चीज़ें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी और हमारे जैसे शोधार्थियों के लिए वो चीज़ें सरल हो जाएंगी। अभी के जो शोधार्थी हैं, अभी जो शोधार्थी हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग पसमंदा विषयों पर, चूँकि इसमें बहुत सारे काम होने अभी बाकी है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो उन लोगों को आप क्या एक सुझाव देना चाहेंगी? आप एक अभी हाल ही में अपनी PhD कंप्लीट की है, आप संक्षेप में बताइए। देखिए, जब मैं बात करती हूँ कि आप अगर पसमानदा विषय पर काम करते हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से चीज़ें आपकी हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ डॉक्टर बनना या एक नौकरी लेना नहीं है, क्योंकि हम जब विषय की बात करते हैं या अपने सोसाइटी की बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक पूरे तबके की बात कर रहे हैं और उस लिटरेचर को आप रिच करेंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो रेफरेंस लेंगे, अदर लोग जो होंगे उसको अपना रिसोर्स बनाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है आप किताबी ज्ञान लीजिए और जो अलग अलग मत है या चीज़ें हैं उस पर आप पढ़िए, बात करिए, वो तो अलग बात है। और मुझे लगता है कि एक शोधार्थी को सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि वो जाके एक फील्ड वर्क ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को या जो उनके दुख है उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या उनको आप नहीं बता सकते। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर शोधार्थी वही है जो बिल्कुल टच करके चीज़ों को लिखे और बताए। आपको बीच में रोक के मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के नाम पर तो काफ़ी काम होते हैं, लिखे भी जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में पसमंदा की आवाज़ दब जाती है, तो अब दोनों राइटिंग पैरेलल चल रहे हों तो आप किस तरफ जाने के लिए आप प्रेरित करना चाहेंगे युवाओं को? माइनॉरिटी पे जितना लिटरेचर चाहिए वो लगभग हो चुका है, अब जो ज़रूरत है वो पसमंदा की है, क्या ये आप ऐसा समझ रही हैं? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जब मैं अपना सर्वेक्षण या शोध कर रही थी, जब फील्ड वर्क कर रही थी, तो उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिली देखी जिन्हें ये नहीं मालूम कि वो पसमानदा में आते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें पसमानदा शब्द भी नहीं मालूम था। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप लोगों से आप उन्हें बताएंगे नहीं कि आप क्या चीज़ हैं या आपके पास क्या शक्ति है, लिखने के माध्यम से ही हो सकता है, लिखने के माध्यम से भी हो सकता है और आप क्या कहते हैं जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आप लिखने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप उनसे तो बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जमीन पे काम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं जमीन से तब तक आप जमीन ही बात करके आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने लोग हैं उनको आप जागरूक करेंगे तो आप सिर्फ लेखने से तो नहीं जगा सकते ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पैरेलल चलना चाहिए, दोनों चीजों को लिखा भी जाना चाहिए और जो लिखा जा रहा है वो जमीन पे पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका।